हेलो दोस्तों, तो आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो सेकंड पार्ट अधूरा रह गया था, हम पढ़ रहे थे फिनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन था। ओके, तो हम इस क्लास में जो अपना पहला हिस्सा जो बाकी कुछ रह गया था उसको कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले आगे बढ़े तो हम क्या करते हैं, मैं एज यूजुअल अपना स्क्रीन का रिकॉर्डिंग कर देता हूँ स्टार्ट, उसके बाद अपन लोग चलेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे पिछले क्लास का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए। ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूं स्टार्ट। कहां हूं भाई, आ जाओ। ओके, इट्स लोडिंग, लोड हो रहा है। ओके, और हो गई स्टार्ट रिकॉर्डिंग बच्चे, स्टार्ट। और ये हो गई स्टार्ट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हम चल रहे हैं नोट्स पे। ओके, तो बच्चों चलो, तो पिछले क्लास का कुछ रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग जो पढ़े थे लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, तो हम लास्ट क्लास में फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में कुछ पढ़े थे। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट का। ओके, तो चलिए, आपको याद तो होगा मेरे ख्याल से। हाँ, क्या सर, कुछ भी याद नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है बच्चे, क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है, ऑर्गेनाइजेशन के फंड को क्या करना, मैनेज करना। ओके, ऑर्गेनाइजेशन के फंड को मैनेज करना, सिर्फ मैनेज करना ही नहीं, फंड आएंगे कहां से और उसको यूटिलाइज कहां किया जाएगा उसको भी बताता है, उसके बारे में कौन, फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि फिनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है भैया ऑर्गेनाइजेशन का जो फंड्स है उसको क्या करो, मैनेज करो, और मैनेज इस तरीके से करो कि फिनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरा हो जाए। ठीक है, याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ रहा है। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम उसका दो एक्टिविटीज होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दो मेन एक्टिविटीज होता है। एक होता है क्या बताओ, एक होता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स और दूसरा होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स के बारे में भी हमने देखा था कि पैसा कहां कहां से लाएगा। एक अगर आप फाइनेंस मैनेजर हो एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपको फंड्स कहां कहां से रेज करने चाहिए, तो उसके लिए आप तीन फैक्टर्स देख रहे थे, याद है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बाद रिस्क, और उसके बाद था आपका कंट्रोल। आई होप आपको याद होगा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा था कि हाँ, उसको क्या बोलते हैं, उसके बाद हमने देखा था ये कि सेकंड फंक्शन, जस्ट सेकंड फंक्शन क्या था अपना, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जिसको एप्लीकेशन ऑफ फंड्स भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा था कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा होता है अदर ऑब्जेक्टिव्स। याद आ रहा है बच्चे? ओके सर, याद आ रहा है बिल्कुल। तो हमने उसमें से मैंने ये कहा था कि जो अदर ऑब्जेक्टिव्स है उसको आप क्या कर सकते हो, जस्ट रीड कर सकते हो, और वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में बच्चे दो ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव्स का नाम क्या था, पहला ऑब्जेक्टिव्स का नाम था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यस। ओके, अब दूसरा नाम क्या था, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हाँ सही बोला आपने। सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, याद आ रहा है, यस। तो हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में भी कुछ पढ़ा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है भैया उसमें बहुत सारी चीजें होते हैं, क्यों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए, उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, याद होगा आपको? हाँ सर, याद आ रहा है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, चलो स्क्रीन पे आपको ले जाते हैं, स्क्रीन का आपको शेयर कराते हैं। ठीक है, चलो भाई कहाँ है, ओके चलो देखो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो हम लोग क्या किए थे। हम लोग यहां तक देख लिए थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले देखो आप नोट्स, मेरे ख्याल देखिए, आप देखो, मैं ये बोलना चाहता हूं आप लोगों को, आप लोग जो भी क्लास कर रहे हो मेरा, आप क्या करो मेरे साथ साथ मैं जो नोट्स लिखा हूं, ठीक है, आप उसको पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है, अच्छा यहां पर आप देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग हो चुका है। फिर उसके बाद हमने दो एक्टिविटीज के बारे में भी पढ़ लिया था, याद है? हाँ सर बिल्कुल। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना स्टार्ट किया था, ऑब्जेक्टिव्स का हमने अदर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बोल दिया था, जस्ट रीड कर लेना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हमने देखा था, इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन
का एडवांटेजेस क्या है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसके बारे में पढ़े थे, ठीक है। डिसएडवांटेज पढ़े थे, याद है, क्यों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ओके, उसके बारे में पढ़े थे, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों डिसएडवांटेज क्या था, याद करो। सबसे पहले प्रॉफिट, द टर्म प्रॉफिट इज वेग, याद है, प्रॉफिट का जो जो प्रॉफिट जो वर्ड है ये अपने आप में ही बहुत इंटरप्रिटेशन देता है लोगों को, जिसके वजह से बहुत ही परेशानियां आती है। जैसे सर प्रॉफिट का मतलब किसी के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो सकता है, किसी के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो सकता है, किसी के लिए ईबीआईटी हो सकता है, किसी के लिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो सकता है, किसी के लिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो सकता है, किसी के लिए कैश प्रॉफिट हो सकता है। तो प्रॉफिट का जो मतलब है भैया वो एक समंदर की तरह है, लोग उसमें डूब जाते हैं, समझ नहीं आता भैया मीनिंग क्या है, जिसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। समझ में आ गया, ओके। दूसरा क्या था, प्रॉफिट अगर आप कमाना चाहते हो, मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो जिस तरह से प्रॉफिट करना अगर ज्यादा करना है तो आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा, ये तो भैया दुनिया का नियम है, याद है। अगर प्रॉफिट ज्यादा पर कमाओगे तो रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा, और रिस्क भैया लेना तो सही नहीं है, ठीक है। अगर प्रॉफिट कमाना है तो मैं रिस्क ज्यादा लूं, ये कहां का सही बात है, ठीक है। इसलिए एक डिसएडवांटेज बन जाता है, ठीक है। तीसरा है बच्चे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में अपन लोग क्या करते हैं, अंधाधुन बस प्रॉफिट देखते हैं, बस प्रॉफिट अगर हो जाए तो हम लोग को बिजनेस करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमको क्या देखना चाहिए, हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करना चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, लेकिन हम कंसीडर नहीं करते, जिसके वजह से ये एक क्या बोल सकते हो, एक इसका डीमेरिट है, राइट। तो ये सब हमने देखा था लास्ट क्लास में, ओके सर याद आ रहा है, ओके वेरी गुड, आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे चौथा पांचवा ये सब क्लियर हो चुका है। तो लास्ट में कंक्लूजन हमने क्या दिया था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसीलिए सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है, ओके। ये एसेंशियल तो है, जरूरी है, भैया प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होना चाहिए, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ और एक ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पढ़ाई के लिए, ठीक है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है एक ब्रॉडर कंसेप्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऐसा क्यों है सर कि वो ब्रॉडर कंसेप्ट है, आइए बताता हूं। तो आपने यहां तक हमने पढ़ चुका था, पूरा फुल रिवीजन हो चुका, अब हम अपने नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं, जिसको बोला जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो आज हमारा यहां से क्लास स्टार्ट होता है सर, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या मतलब होता है, देखो प्रॉब्लम क्या था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट का मतलब क्या है, लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन था, वो जो कंसेप्ट था वो अपने आप में वेग था, ठीक है, जो वर्ड था अपने आप में वेग था, उसका कंफ्यूजिंग मीनिंग था, लोग कुछ भी समझ सकते थे प्रॉफिट का मतलब। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या हो रहा है, वेल्थ का मतलब दिया गया है कि वेल्थ मतलब ये, ओके। तो वेल्थ मतलब क्या सर, पहली बात वेल्थ का मतलब होता है बच्चों द वैल्यू ऑफ फर्म, समझो क्या वेल्थ का मतलब वैल्यू होता है, वेल्थ का मतलब वैल्यू ऑफ फर्म बोलो या फिर वैल्यू ऑफ शेयर बोलो, बोलो 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 मेरे साथ बोलो, क्या वेल्थ का मतलब, क्या वेल्थ का मतलब, आप किसी को नॉर्मल बात करते हैं, अभी मैं उसके अंदर नहीं जाता, टेक्निकल नहीं होता, मेरे को बताओ वेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं, याद है, या फिर बोलते हैं कोई अगर पैसे वाला इंसान है क्या होता है, ही इज वेरी वेल्दी पर्सन, ऐसा बोलते हैं, अच्छा। तो वेल्थ का मतलब नॉर्मली क्या होता है, संपत्ति, ठीक है। तो अपने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसमें वेल्थ का मतलब होता है एक फर्म का, एक ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू या फिर शेयर होल्डर्स का वैल्यू, समझ में आ गया, हाँ सर बिल्कुल, ठीक है आगे। तो सर ये वेल्थ कैसे निकालते हैं, सर बताओ ना सर वेल्थ कैसे निकालते हैं, बताओ। कुछ नहीं बच्चे, वेल्थ निकालना सबसे आसान काम है जिंदगी का, ओहो ये जिंदगी में वेल्थ नहीं निकाला तो क्या निकाला, ठीक है। सबसे आसान काम है वेल्थ निकालना, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बिल्कुल, बच्चे लोग निकाल लेते हैं, बच्चे लोग वेल्थ निकाल लेते हैं, क्या बात कर रहे हो, तो हम भी निकालेंगे सर, बताइए वेल्थ कैसे निकलता है बच्चे। वेल्थ का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, बोलो मेरे साथ सब, क्या वेल्थ का मतलब क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, बोलो बोलो बोलो, वेल्थ का मतलब क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, मतलब फर्म का टोटल वैल्यू, अगर पसंद नहीं आए तो दूसरा मैं बोल सकता हूं, शेयर का टोटल वैल्यू, क्या 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 क्या
फर्म का टोटल वैल्यू या फिर शेयर का टोटल वैल्यू, समझ में आया? आपका जो टोटल शेयर्स है उसका वैल्यू या फिर फर्म का वैल्यू, ठीक है। अच्छा तो सर टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? सर देखो स्क्रीन पे देखो, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर। ओहो सर क्या है लिखा, देखो फॉर एग्जाम्पल चलो मैं लिखता हूं आपके साथ साथ समझाने के लिए। आप देखो फॉर एग्जाम्पल आपका एक कंपनी है, चलो कंपनी का नाम लेते हैं फॉर्चून सीए लिमिटेड। क्या नाम है? फॉर्चून सीए लिमिटेड, ठीक है। ये पब्लिक कंपनी है, दिख के लग रही है आपको, हाँ लिमिटेड लिखा हुआ लास्ट में, ओके। तो ये जो फॉर्चून सीए लिमिटेड कंपनी है बच्चे, इसका मान लो मार्केट में टोटल शेयर्स कितना, इक्विटी शेयर्स कितना है? 10,000 इक्विटी शेयर्स है। कितना है? 10,000 इक्विटी शेयर। 10,000 भी नहीं, 1,00,000 कर देते हैं, काहे 2,000 में रहे भैया, हाँ हमारा कंपनी है, लाख में होना चाहिए, है कि नहीं? तो फॉर्चून सीए लिमिटेड जो कंपनी है उसका टोटल शेयर्स कितना है? इक्विटी शेयर्स 1,00,000 शेयर्स है। कितना? 1,00,000 शेयर, समझ में आ गया? हाँ सर ठीक है। और उसका अभी का मार्केट प्राइस, अभी का बता रहा हूं, किसका? अभी का मार्केट प्राइस जो है फॉर्चून सीए कंपनी का, समझ लो 100 रुपया चल रहा है। जब मैं शेयर इशू किया था उस समय दाम था इसका सिर्फ 10 रुपया, ठीक है। कितना दाम था? 10 रुपीज। 10 से कितना भी हो गया 100 रुपीज। मतलब समझो मेरा जो फॉर्चून सीए लिमिटेड कंपनी है या फर्म बोल सकते हो, उसका जो वैल्यू है, वैल्यू कितना हुआ? 1,00,000 × 10। ओ माय गॉड, समझ रहे हो कितना हो गया? 1,10,000, 1 करोड़। ओहो हाँ, तो मेरा फर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे? यहां पर 1,00,000 × 100 कितना हो जाएगा? ये 1 करोड़ हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो मेरा अभी जो फर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा। सर ये तो बहुत इजी है। हाँ बहुत इजी है। तो वेल्थ कैसे निकालते हैं बच्चे? वेल्थ कैसे निकालते हैं? आपका जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है उसका अभी का मार्केट प्राइस कितना है वो निकाल लो। अगर मान लो किसी का आपको वेल्थ निकालना है, आप क्या करो उस कंपनी का टोटल इक्विटी शेयर्स देखो कितना है, और इक्विटी शेयर्स का मार्केट में क्या रेट चल रहा है निकाल लो, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका वैल्यू निकल जाएगा, फर्म का वैल्यू निकल जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो शेयर्स का वैल्यू निकल जाएगा, टोटल शेयर्स का वैल्यू। समझ में आ गया सर? हाँ सर बहुत ही, ये तो बच्चे लोग का खेल है। हाँ वही तो मैं बोल रहा था, आप लोग को समझते नहीं हो, आओ इधर, ठीक है सर, ओके। और बताइए सर, तो यहां पर मैं क्या बताया? तो देखो एक चीज आपको यहां पर समझना चाहिए, समझना होगा कि मैं जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में बताया आपको, तो मैं इसका जो मीनिंग है बता दिया कि वेल्थ कैसे निकालते हैं और वेल्थ का मीनिंग क्या है यहां पर दिया हुआ है, बट प्रॉफिट का मतलब क्या है वहां पर पता नहीं था, लोग अलग अलग समझते थे, जिसके वजह से मेन प्रॉब्लम था। ये समझ में आ गया? तो यहां पर वेल्थ का मतलब मैं कुछ परेशानी है क्या, कुछ झंझट नहीं है आपको, वेल्थ का मतलब दिया गया भैया, वेल्थ मतलब ये, समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल। तो वेल्थ का मतलब क्या, बोलो मेरे साथ, वेल्थ का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या होता है बच्चे? टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। और टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं? टोटल इक्विटी शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। समझ में आ गया? हाँ सर ओके, अब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ कोई सा भी कंपनी का निकालो, जाओ देखना एक क्लास खत्म होने के बाद, कोई सा भी कंपनी तुम्हारा जो फेवरेट कंपनी है उसका मार्केट, उसका टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना और इनटू कर देना उसका मार्केट प्राइस से, ठीक है। तो आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा कंपनी का, अभी का वैल्यू कितना है अभी का डेट में। समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया सर। लेकिन एक परेशानी है सर मेरे को ना, ये नाम अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हुआ नाम में, क्या प्रॉब्लम? हाँ नाम में क्या प्रॉब्लम है भाई, बताओ दिक्कत क्या है, नाम में क्या प्रॉब्लम है? तो आप बोल रहे हो सर ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? ये टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमको नाम पसंद नहीं आया, मेरे बच्चों को नाम अगर पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं नाम चेंज कर दे रहा हूं। अगर आपको टोटल वैल्यू ऑफ फर्म बोलना अच्छा नहीं लग रहा है तो इसके लिए मैं एक फैंसी सा नाम लाया हूं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओ माय गॉड, क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन? क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन? सर ये क्या बोल रहे हो? टोटल वैल्यू ऑफ फर्म को अपन लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या 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 तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म को अपन लोग क्या बोलते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलता है? टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। तो आप उसको वेल्थ बोलो या टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म बोलो या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलो, बात एक ही है। समझ में आ गया? वेल्थ या फिर टोटल वैल्यू ऑफ फर्म या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन। समझ में आया तो हाँ बोलो यस। आगे चलते हैं
सर और बताइए सर, मजा आ रहा है? हाँ मजा तो आएगा। अच्छा और एक चीज, जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का बात होता है ना बच्चों, हम लोग ये छोटा मोटा चीज नहीं देखते, हम सिर्फ आगे का चीज देखते हैं। मतलब हम लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं सोचते। हम लोग लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं सोचते। शॉर्ट टर्म में भले ही प्रॉफिट ना हो कोई बात नहीं, ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात हम लोग करते हैं। और लॉन्ग टर्म में ही ऐसा हो सकता है, देखो बच्चों, जो कंपनी का ठीक है प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है कि उसका वेल्थ कम हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनी का अभी प्रॉफिट कम है और वेल्थ ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो वेल्थ ऐसा नहीं है कि एक दिन का काम होता है, वेल्थ पाने के लिए सदियों लगता है, ठीक है, बहुत साल लगते हैं, मेहनत लगती है, कड़ी मेहनत लगती है, उसके बाद ही वेल्थ आता है, ठीक है, तभी तो आपका मार्केट, आपका वैल्यू बढ़ता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? और प्रॉफिट तो भैया एक साल का काम है, एक साल काम करो अच्छे से, आप प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन वेल्थ एक साल में नहीं आता, बहुत टाइम लगता है, तभी तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को सुपीरियर ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। क्या बोल रहे हो सर? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज रिगार्डेड एज द सुपीरियर ऑब्जेक्टिव देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। समझ में आ रहा है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इसीलिए सबसे बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है, किससे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। समझ में आया? इसी वजह से, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जो कमियां थी उसको ये पूरा कर देता है, कौन? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। तो अभी तक क्या पढ़े? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब, वेल्थ का मतलब क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। ओके सर, कितना चिल्लाते हो, कोई बात नहीं, आज मैं बहुत ज्यादा ब्रेकफास्ट कर लिया इसीलिए ताकत आ गया है, कोई बात नहीं सर, हम भी खा के आए हैं। चलो सर कुछ बताइए सर, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम लोग ये सभी बातों का ध्यान रखते हैं। सर कौन सा बातों का? मैं चार बातों को लिखा हूं, देखो आपका स्क्रीन पे देखो, ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है, फ्यूचर में आने वाले कैश फ्लोज के बारे में अपन लोग सोचते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते कि आज कितना प्रॉफिट हो रहा है, हम ये देखते हैं भैया फ्यूचर में क्या आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर कर रहे हैं, बोलने का मतलब यहां पर ये है, ठीक है। डिविडेंड भी देखते हैं, अर्निंग पर शेयर का भी हम लोग ख्याल रखते हैं, और रिस्क के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग ये सभी बातों का ध्यान रखते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, क्या? फ्यूचर कैश फ्लोज, डिविडेंड, ईपीएस और रिस्क ऑफ अ डिसीजन। समझ में आ गया? और ये चारों को हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। समझ में आ गया? तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स के ध्यान रखते हैं, बोलो बोलो। ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर में कौन कौन से कैश फ्लोज आने वाले हैं, फ्यूचर का कैश फ्लोज क्या रहेगा, डिविडेंड के बारे में, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है नहीं देना है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बारे में, या फिर कितना हम लोग को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। रिस्क ऑफ अ डिसीजन, अगर कोई डिसीजन लेंगे, मान लो एक बड़ा सा एक प्रोजेक्ट में हम लोग को इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका उसमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो बहुत ये सब चीज जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में कवर हो जाते हैं। तो ये सब चीज ना बच्चों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पूरा नहीं कर पा रहा था। समझ में आ रहा है? इसी के वजह से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को क्या बोला जाता है? सुपीरियर ऑब्जेक्टिव्स बोला जाता है। समझ में आ रहा है? अच्छा सर और बताइए। तो सर हमको चेक करना है सर वेल्थ कैसे निकालते हैं, थोड़ा बताइए ना सर। चलो बताते हैं सर। वेल्थ तो आप बता दिए कि हाँ, नंबर ऑफ इक्विटी से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। और एक चीज, अगर आपको वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, क्या मैक्सिमाइज करना है? वेल्थ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चलो, तो अगर आपको फर्म का वैल्यू बढ़ाना है या फिर वेल्थ बढ़ाना है या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाना है, ये सब चीज दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। बोलो बोलो बोलो, किस पे डिपेंड करता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का बढ़ना दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर का नाम है ईपीएस। क्या नाम है? ईपीएस। क्या नाम है? ईपीएस। दूसरे का नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट। मेरे साथ साथ बोलो बच्चों, अभी याद करवा दूंगा, मेरे साथ साथ बोलो बस। फर्म का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर्स का नाम है ईपीएस, दूसरा फैक्टर्स का नाम है कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। तो वेल्थ का बढ़ना किस पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक है ईपीएस, बोलो, एक है ईपीएस, दूसरा क्या है? कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है सर। ओके सर, ईपीएस तो बोल दिए, क्या होता है बताइए हमको क्या होता है? देखो बच्चों, ईपीएस जो होता है, ईपीएस को अपन लोग बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। क्या बोलते हैं? अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे अर्निंग आपका क्या होगा, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं?
ये सब चीज आप डरो नहीं, आपका पहला क्लास है, आपको लग रहा होगा ये भाई ये क्या है, ओके कोई बात नहीं, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ये सब चीज के बारे में हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं, ये सब के बारे में डिस्कशन होगा आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। चलो तो ईपीएस कैसे निकालते हैं, देखो अर्निंग पर शेयर, क्या बोल रहा है, अर्निंग पर शेयर, देखो इसका नाम में ही आंसर छुपा है, अर्निंग पर शेयर मतलब आप टोटल अर्निंग निकाल लो कंपनी का, समझो समझो क्या बोल रहा हूं, आप कंपनी का टोटल अर्निंग निकाल लो, फिर उस टोटल अर्निंग को टोटल शेयर से डिवाइड कर दो, एक शेयर का अर्निंग निकल जाएगा। हाँ सर सही बोल रहे हो, तो मैं टोटल अर्निंग को यहां पर अपन लोग बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, क्या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मैं आपको बताया था वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालता है, इक्विटी शेयर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या यहां पर निकालते हैं ईपीएस कैसे निकालते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना पैसा टोटल अवेलेबल है, समझ में आ गया। तो पहला स्टेप क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, देख लो कितना पैसा है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एग्जाम्पल भी दिया हूं, कोई बात नहीं, अच्छा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो गया, डिवाइड किससे करेंगे, देखो यहां पर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना आपके पास इक्विटी शेयर्स है। चलो इसके बारे में एग्जाम्पल में नीचे ही किया हूं, देखो ये जो मैं बच्चों बता रहा हूं ये एक फॉर्मेट है जो हम आगे पढ़ेंगे, आपको सोचना नहीं है, बस मैं जो बोल रहा हूं उसको बस देखते जाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो सबसे पहले अर्निंग बिफोर टैक्स होता है, क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसको पीबीटी भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोलते हैं। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स से पहले वो कितना कमाती है, 10 लाख रुपया कमाती है, ठीक है, टैक्स भर देती है 30% के हिसाब से, तो 3 लाख रुपया तो टैक्स दे देती है, तो बचता कितना है कंपनी के पास, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचता है, 7 लाख रुपया, ठीक है सर समझ में आ रहा, ओके। अब 7 लाख रुपया जैसे बचा, प्रिफरेंस डिविडेंड वाले आ जाते हैं, ओ माई गॉड, प्रिफरेंस शेयर वाले बोलते हैं भैया हमारा डिविडेंड का पैसा दे दो भैया दे दो, ठीक है, तो प्रिफरेंस डिविडेंड का पैसा दे दिए, समझ में आ रहा है, ओके 1 लाख रुपया प्रिफरेंस डिविडेंड का दे दिए, प्रिफरेंस डिविडेंड के वजह से टैक्स भी देना पड़ता है, प्रिफरेंस डिविडेंड जब दोगे तो उसके लिए टैक्स भी दोगे, तो टैक्स ऑन प्रिफरेंस डिविडेंड आपका पड़ गया मान लो 10,000 रुपया, तो वो भी माइनस कर दो, तो आपका ये सब खर्चा हो गया, तो बचा कितना आपके पास पैसा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 5,90,000, देखो 7 में से 1 लाख गया फिर 10,000 गया, तो बचा कितना आपके पास 5,90,000 रुपया, ठीक है सर, हाँ समझ में आ गया। आप क्या करो, ये जो 5,90,000 आया है ये आपका आया है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मेरे साथ साथ बोलो क्या आया है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, और हमारा टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, सपोज करो 1 लाख शेयर्स हैं, तो एक शेयर के प्रति अर्निंग अपना कितना हो जाएगा, 5,90 रुपया, समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ गया। तो ईपीएस कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पहला फैक्टर्स का नाम क्या है बोलो बच्चों, पहला फैक्टर्स का नाम है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग बोलते हैं ईफैश, क्या बोलते हैं ईफैश, समझ में आ गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ईफैश डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो यहां पर ईपीएस कितना आ गया, 5,90 रुपया, मतलब मैं एक शेयर के प्रति, मतलब एक शेयर अगर कंपनी का कोई खरीदेगा तो उसको अर्निंग कितने रुपए का होगा, 5,90 रुपया का, समझ में आ गया, ओके सर ठीक है। तो ये था पहला फैक्टर, ठीक है सर, दूसरा बताइए, दूसरा फैक्टर का नाम है कैपिटलाइजेशन रेट, क्या नाम है बच्चों, कैपिटलाइजेशन रेट, क्या होता है सर ये कैपिटलाइजेशन रेट, सिंपल मतलब मैं बोलूं कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब होता है इन्वेस्टर्स लोग जब इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में तो वो जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कंपनी से उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन रेट, क्या सर, अरे इन्वेस्टर लोग जब भी इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में तो वो कुछ ना उम्मीद रखेंगे कि नहीं कि भैया मेरे को इतना पैसा चाहिए, इतना परसेंट दोगे तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, कुछ सोचे होंगे कि नहीं, वही उम्मीद को, वही एक्सपेक्टेशन को क्या बोला जाता है, कैपिटलाइजेशन रेट, 10% 20% जिसको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोला जाता है, याद है आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में पढ़े थे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसमें ज्यादा होता है? जल्दी बताओ तो मेरे को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसमें ज्यादा होता है? किससे पैसा उठाओगे तो कंपनी के लिए ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा? इक्विटी शेयर, याद है? हाँ सर, बिल्कुल याद आ रहा है सर, भूलेंगे कैसे। अच्छा, सबसे कम कॉस्टली क्या पड़ता है कंपनी के लिए पैसा उठाना? डिवेंचर, याद है? हाँ सर, बिल्कुल याद है। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि वो लोग पहले पैसा मांगने आ जाते हैं, ठीक है, ओके। लास्ट में पैसा कौन लेता है? इक्विटी शेयर वाले। तो भैया उम्मीद भी ज्यादा करेंगे। चलो ये तो था लास्ट क्लास का। चलो मैं यहां पर ये बोल रहा था, जो इन्वेस्टर्स लोग, इन्वेस्टर्स कोई भी हो सकता है, तो इन्वेस्टर्स जो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, इन्वेस्टर्स जो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, उस रिटर्न को क्या बोला जाता है? कैपिटलाइजेशन रेट। क्या बोला जाता है? कैपिटलाइजेशन रेट। फॉर एग्जांपल, मैं इन्वेस्टर हूं, मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूं कंपनी में, तो मैं सोचता हूं कि 10% कंपनी कम से कम तो देगी यहां पर मुझे, ठीक है, तो वो 10% मेरे लिए क्या हो गया? कैपिटलाइजेशन रेट हो गया। समझ में आ गया? तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज कैपिटलाइजेशन रेट? दिस रेट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर्स फॉर अ कंपनी, ठीक है। इन्वेस्टर्स कितना एक्सपेक्ट करेंगे, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, जितना वो रिक्वायर करेंगे, उसी को क्या बोला जाता है? कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। हाउ मच इन्वेस्टर्स वांट टू अर्न फ्रॉम द कंपनी, मतलब इन्वेस्टर कितना अर्न करना चाहती है कंपनी से, इन्वेस्टर्स कितना अर्न करना चाहते हैं कंपनी से, वही रिटर्न को, वही रेट ऑफ रिटर्न को क्या बोला जाता है? कैपिटलाइजेशन रेट बोला जाता है, ठीक है। सर बताइए ये कैसे निकलता है? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो आपका कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब कंपनी का पॉलिसी पे डिपेंड करता है, पास्ट रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, और एक्सपर्टीज ऑफ द मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है। सर ये क्या है, समझ में नहीं आया, थोड़ा बताओ अच्छे से। देखो मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आज के डेट में अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पैसा लगाओगे, तो आप क्या सोच के लगाओगे, ज्यादा रिटर्न आएगा कि कम रिटर्न आएगा? क्या बात कर रहे हो सर, ज्यादा ही सोचेंगे, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज की डेट में तो क्या तबाही कर रही है। हाँ ऑब्वियसली, तो आप ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल करेंगे। क्यों कर रहे हो? कंपनीज का पॉलिसीज को देख के कर रहे हो, ठीक है, कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड्स को देख के कर रहे हो, भाई क्या गजब का काम की है। इन्फोसिस कंपनी को देख लो, ठीक है, 20 साल पहले कहां थी, अभी कहां पर है, ठीक है। तो कंपनी जो इन्वेस्टर्स लोग होते हैं, कंपनी का पॉलिसीज को देख के उम्मीद रखते हैं कि ज्यादा हम लोग उम्मीद करें कि कम उम्मीद करें, पास्ट रिकॉर्ड्स को देख के करती है कि पिछले, फॉर एग्जांपल पिछले 10 साल से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हर साल डिविडेंड अच्छा खासा 10%, 15%, 20% देती है, तो इस साल भी शायद दे। तो कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड्स भी मजबूर कर देता है इन्वेस्टर्स को क्या सोचने के लिए, एक्सपेक्टेशन रखने के लिए मजबूर कर देता है कि नहीं। तो समझ में आ रहा है, अगर मान लो तुम्हारा हिस्ट्री ही खराब है तो लोग भी उम्मीद कम रखेंगे आपसे, है कि नहीं। अच्छा, टाइप्स ऑफ बिजनेस, मान लो दो टाइप की बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत ही नया है जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, और एक ऐसा बिजनेस है फॉर एग्जांपल स्टील का, लोग पैसा किस में लगाएंगे? स्टील में लगाएंगे, क्योंकि भैया उसमें जो रिस्क कम है, ठीक है। तो वही चीज है, तो टाइप ऑफ बिजनेस पे भी आपका रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो डिपेंड करता है। ये जो चार फैक्टर्स है, ये चार फैक्टर्स पे आपका क्या होता है, आपका उम्मीद, आपका आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो डिपेंड करता है कंपनीज का पॉलिसीज पे, पास्ट रिकॉर्ड्स पे, टाइप्स ऑफ बिजनेस पे, एक्सपर्टीज ऑफ मैनेजमेंट पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके अच्छा, हायर द रिस्क हायर शैल बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स फ्रॉम द कंपनी। तो ये चारों पॉइंट का लिखने का मतलब ये है भैया, अगर ये अगर कंपनी ज्यादा रिस्क लेगी ना, कंपनी अगर ज्यादा रिस्क लेगी तो एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा हो जाएगा इन्वेस्टर्स लोग का। समझ में आ रहा है, क्योंकि रिस्क ज्यादा होने से आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा उम्मीद करेंगे कौन? आपके इन्वेस्टर्स लोग। समझ में आ रहा है? तो मैं यहां पर यह बोलना चाहता हूं कि कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब होता है इन्वेस्टर्स लोग जो आपसे कमाना चाहते हैं, जो आपसे अर्न करना चाहते हैं, जो आपसे उम्मीद रख रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन है उनका, उसको क्या बोला जाता है? कैपिटलाइजेशन रेट। समझ में आ रहा है? ओके सर आगे बताइए सर, ठीक है। यहां पर वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का और एक तरीका है। और क्या बोल रहे सर? देखो यहां पर मैं दो फैक्टर बताया कि वैल्यू ऑफ फर्म दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर का नाम क्या था? ईपीएस। क्या नाम था? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। कैसे निकालते हैं? ईपीएस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वेरी गुड। दूसरा क्या था? कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट का क्या मतलब होता है?
the return expected by the investors, the required return expected by the investors, ठीक है, ये पढ़े। तो वैल्यू ऑफ फर्म या फिर वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगा? ईपीएस डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। देखो यहां पर क्या, ईपीएस डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट क्या है बच्चों? ईपीएस डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। आप ईपीएस को अगर कैपिटलाइजेशन रेट से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगा। क्या बात कर रहे हो? ठीक है सर, निकाल के दिखाइए, दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं क्या है इसमें। देखो आप देखो एग्जांपल नंबर वन, अर्निंग पर शेयर कितना है बच्चों? 10 रुपया है क्या? हाँ सर बिल्कुल 10 रुपया है। सी आर का मतलब है कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब इन्वेस्टर्स लोग कितना कमाना चाहते हैं, कितना परसेंट कमाना चाहते हैं, 10% कमाना चाहते हैं, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आज के डेट में कंपनी का ईपीएस कितना है? 10 रुपया, मतलब कंपनी का एक शेयर खरीदोगे तो आपका 10 रुपया अर्निंग हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटलाइजेशन रेट है 10%, मतलब इन्वेस्टर्स लोग चाहते हैं 10% रुपया कमाना, 10% रुपया नहीं 10% कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो कंपनी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 रुपीज डिवाइडेड बाय 10%, वैल्यू क्या हो जाएगा फर्म का वैल्यू या फिर शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चे, 100 रुपया हो जाएगा कि नहीं? 10 डिवाइडेड बाय 10% 100 रुपया। मतलब ये बोलने का मतलब है कि अगर आपको 10 रुपया का अर्निंग करना है तो आप 10 रुपया का अर्निंग करने के लिए 100 रुपया देने के लिए तैयार हो? मां कसम, हाँ 100 रुपया देने के लिए तैयार हो आप। तो ये 100 रुपया क्या हो गया? शेयर का वैल्यू हो गया। और शेयर का वैल्यू क्या होता है? फर्म का वैल्यू होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? ठीक है, तो शेयर का वैल्यू या फिर फर्म का वैल्यू कैसे निकलता है? ईपीएस डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। तो यहां पर 10 रुपीज डिवाइडेड बाय 10%। सर एक चीज बताइए सर, चलो एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं। मेरे को बताओ बच्चों, मेरे को क्या करना है, एक फर्म का, एक कंपनी का ना, उसका वैल्यू बढ़ाना है, मैं क्या करूं बताओ? बताओ क्या करूं मैं? दो ऑप्शन है, या फिर आप उसका क्या कर दो, ईपीएस बढ़ा दो, ईपीएस बढ़ा दो, या फिर कैपिटलाइजेशन रेट को कम कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ मेरे को, आ रहा है कि नहीं? अगर मेरे को फर्म का वैल्यू बढ़ाना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या फिर मैं ईपीएस को बढ़ा दूं या फिर कैपिटलाइजेशन रेट को कम कर दूं। सर कैसे बताओ, थोड़ा समझ नहीं आ रहा। तो देखो सपोज करो सेम एग्जांपल में मैंने क्या किया ना, ईपीएस को सेम रखा, 10 रुपया ही रखा, बस कैपिटलाइजेशन रेट को कितना कर दिया, 5% कर दिया। क्या कर दिया? 5%, मतलब इन्वेस्टर्स लोग 5% उम्मीद रख रहे हैं कि 5% कमाना चाहते हैं, ठीक है 5% कमाना चाहते हैं। उनका रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी से कितना, 5%। और कंपनी का एक शेयर खरीदोगे तो अर्निंग कितना का हो जाएगा, 10। तो वैल्यू ऑफ शेयर कितने का हो जाएगा, देखो 200 रुपया। ओ माय गॉड, समझ रहे हो, कंपनी का वैल्यू बढ़ गया 100 से 200 रुपया हो गया। कब? जब आपने क्या कर दिया, कैपिटलाइजेशन रेट को कम कर दिया। मतलब कैपिटलाइजेशन रेट कम होगा, अगर इन्वेस्टर्स लोग का एक्सपेक्टेशन अगर कम होगा, वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। ओ माय गॉड, समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, अगर आपको एक वैल्यू ऑफ फर्म को बढ़ाना है, एक फर्म का वैल्यू बढ़ाना है या फिर शेयर्स का वैल्यू बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, या फिर आप अर्निंग पर शेयर बढ़ा दो या फिर कैपिटलाइजेशन रेट को कम कर दो। ठीक है, ये तो बताया मैं किस कैपिटलाइजेशन रेट को कम कर दिया, अब अर्निंग को बढ़ाते हैं। चलो मान लो अर्निंग पर शेयर 15 हो गया, 10 से 15 हो गया, ठीक है देखो, लेकिन कैपिटलाइजेशन रेट वही 10% था, अर्निंग बढ़ेगा क्या, वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ेगा क्या? ऑब्वियसली देखो 15 डिवाइडेड बाय 10% कितना हो गया, 150 रुपया। मां कसम, समझ रहे हो, एक शेयर का जो वैल्यू था पहले 100 रुपया था, ठीक है, जब हमने उसका कैपिटलाइजेशन रेट को 5% कर दिया 10% से, उसका वैल्यू 200 रुपया हो गया, वाह। और जब हम अर्निंग पर शेयर को बढ़ा दिए और कैपिटलाइजेशन रेट को सेम रखे तो वैल्यू ऑफ शेयर 150 हो गया, मतलब फिर भी बढ़ गया, समझ में आ रहा है? तो इससे हम ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, अगर हमको किसी भी फर्म का वैल्यू बढ़ाना है, अपने पास दो ऑप्शन है, या फिर क्या करो, कंपनी का ईपीएस बढ़ा दो या फिर
कैपिटलाइजेशन रेट को कम कर दो। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? ईपीएस बढ़ा दो, कैपिटलाइजेशन रेट को कम कर दो। ईपीएस बढ़ा दो, कैपिटलाइजेशन रेट को कम कर दो। इससे होगा क्या? इससे आपका फर्म का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर देखो क्या लिखा हूं मैं, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म और शेयर। हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमको शेयर का वैल्यू या फिर फर्म का वैल्यू बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? इधर इंक्रीज ईपीएस, ईपीएस बढ़ा दो या फिर कैपिटलाइजेशन रेट को कम कर दो। ओहो सर क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पर देखो अर्निंग पर शेयर का, अर्निंग पर शेयर बढ़ाना पड़ेगा या फिर कैपिटलाइजेशन रेट को कम करो। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्या? और एक इसका मतलब मैं बता रहा हूं, अर्निंग पर शेयर कब बढ़ेगा? देखो अगर आपको फर्म का वैल्यू बढ़ाना है तो आपको ईपीएस बढ़ाना पड़ेगा, और ईपीएस अगर बढ़ाना है तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ओहो सर क्या बात कर दिए, समझ आ रहा है? मतलब मेरे को अगर ईपीएस बढ़ाना है तो मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। हाँ वो भी तो ऑब्जेक्टिव है, बिना प्रॉफिट कमाए आप सर्वाइव कैसे करोगे, ग्रोथ डेवलप कैसे करोगे? समझ में आ रहा है? ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस, तो यहां पर बच्चे या फिर ईपीएस बढ़ा दो या फिर कैपिटलाइजेशन रेट को कम कर दो। और ईपीएस बढ़ेगा कैसे? जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। और कैपिटलाइजेशन रेट कम कैसे होगा? जब रिस्क कम लोगे। ओहो कैसे सर? अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिटर्न आता है। रिस्क ज्यादा, देखो फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक रूल याद रखना, चलो मेरे साथ कसम खाओ सब कोई, ठीक है सर? आज हम ये कसम खाते हैं, खाओ 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 मेरे साथ कसम खाओ, आज हम ये कसम खाते हैं कि फिनेंशियल मैनेजमेंट में क्या रिस्क और रिटर्न दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे, रिस्क और रिटर्न दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, रिस्क एंड रिटर्न विल गो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो रिस्क एंड रिटर्न दोनों साथ साथ चलेंगे। समझ में आ रहा है? रिस्क अगर बढ़ेगा, दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क और रिटर्न के बीच दोनों डायरेक्ट रिलेशनशिप है। रिस्क अगर बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा, रिस्क अगर कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सर बोलो बोलो, फिर से नहीं आ रहा समझ में। अगर रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ेगा, रिस्क घटेगा तो रिटर्न घटेगा। ये फिनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक रूल है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? फिनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक रूल हमेशा याद रखना। क्या है फिनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक रूल? रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ेगा, रिस्क घटेगा तो रिटर्न घटेगा, रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ेगा, रिस्क घटेगा तो रिटर्न घटेगा। समझ में आ रहा है? यह है फिनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक रूल। तो सर मेरे को एक चीज बताओ, अगर रिस्क अगर बढ़ रहा है तो रिटर्न बढ़ेगा, और रिटर्न बढ़ने से लोग तो ज्यादा उम्मीद करेंगे ही। हाँ हाँ सर सही बोल रहे हो। तो रिस्क अगर बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ेगा, और रिटर्न जब बढ़ेगा तो लोग ज्यादा उम्मीद करेंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, यानी कैपिटलाइजेशन रेट ज्यादा होगा। अगर रिस्क कम लोगे तो रिटर्न कम आएगा, और रिटर्न कम आएगा तो लोग कम उम्मीद करेंगे। सर क्या बता दिए सर, मजा आ गया, मजा आ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए कैपिटलाइजेशन रेट को अगर कम करना है, रिस्क को कम करो। समझ में आ रहा है? कैपिटलाइजेशन रेट को कम करना है तो मेरे को रिस्क को कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क कम होगा तो रिटर्न कम होगा, और रिटर्न कम होने से कैपिटलाइजेशन रेट भी कम होगा। समझ में आ रहा है? यस सर बिल्कुल आ गया, सर बिल्कुल आ गया। चलो आगे चलो, आगे चलो, कहां गए? ओके, तो बच्चों एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एडवांटेजेस क्या है बच्चों? देखो इट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, ठीक है, अब ये क्लियर हो चुका है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भैया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरह अस्पष्ट नहीं है, ये पूरा स्पष्ट है, ठीक है, और इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाला बात नहीं है, पूरा क्लियर कट बोलता है, ठीक है। और ये क्लियर कट बात बोलता है कि वेल्थ का मतलब क्या है। वहां पर प्रॉफिट का मतलब कोई बताता नहीं था क्या है, यहां पर वेल्थ का मतलब क्या है आपको बता दिया गया, वेल्थ का मतलब क्या होता है। समझ में आ गया? ओके सर। It emphasizes on long term. ये long term में emphasize करता है, ठीक है। It emphasizes on long term, मतलब ये long term पे focus करता है, short term के बारे में नहीं सोचता। short term के बारे में सोचोगे बच्चे तो growth कैसे करोगे? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका value कैसे बढ़ेगा, ठीक है? growth तो होगा लेकिन value नहीं बढ़ पाएगा। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर आप long term पे focus करते हो, भले long term में भले आपका earning कम हो लेकिन आप long term को लेके चलते हो, ठीक है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, आप यहां पर क्या करते हो? रिस्क के बारे में भी सोचते हो,
और अनसर्टेनिटी के बारे में भी सोचते हो, रिस्क के बारे में, आप वो डिसीजन नहीं ले लेते जल्दी जिसमें आपका नुकसान होने वाला है, आप सोच समझ के डिसीजन लेते हो। समझ में आ रहा है? ओके। रिकॉग्नाइज द टाइमिंग ऑफ रिटर्न। आप जब आपके पास जब भी पैसा आता है तो आप क्या करते हो, उसका टाइमिंग के बारे में सोचते हो कि पैसा कब आ रहा है मेरे पास, मतलब कंपनी सोचती है ये पैसा कब आ रहा है, उसके पहले साल में आ रहा है, सेकेंड दूसरे साल में आ रहा है, तीसरे साल में आ रहा है, या फिर कब आ रहा है, तो उसके टाइमिंग के बारे में सोचती है, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में सोचती है, जो पैसा पहले आ रहा है उसका वैल्यू ज्यादा है वो पैसे से जो पैसा बाद में आएगा। समझ में आया? हमारे पास अभी का पैसा, आपके पास आप पॉकेट में जो पैसा है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है वो पैसे से, जो पैसे आपके पास एक साल बाद वही पॉकेट में होगा। क्या बोल रहे हो? हाँ, क्यों? बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके लिए, ठीक है, ओके। तो ये सब फैक्टर्स को कंसीडर कौन करता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सर मजा आ गया पढ़ के, मजा आएगा, चलो आगे चलो। कंसीडर शेयर होल्डर्स रिटर्न। शेयर होल्डर्स के रिटर्न के बारे में भी अपने लोग सोचते हैं कैसे, अरे फर्म का अगर वैल्यू बढ़ जाएगा, शेयर का वैल्यू तो बढ़ा, अब शेयर का वैल्यू बढ़ने से क्या शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ेगा? नहीं। हाँ सर बिल्कुल बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके। इसीलिए हम बोलते हैं तो जो जो प्रॉब्लम्स था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, वो सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कौन देता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसीलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोर बेनिफिशियल ऑब्जेक्टिव या फिर सुपीरियर ऑब्जेक्टिव देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मोर बेनिफिशियल ऑब्जेक्टिव और सुपीरियर ऑब्जेक्टिव देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। समझ में आया बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट अवर फिनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बारे में और कुछ छोटा सा चीज है मैं आपको बता देता हूं। देखो मैं लिखाऊंगा नहीं इसके बारे में, मैं आपको बाद में नोट्स दे दूंगा, मैं बस आपको समझा दे रहा हूं। यहाँ पर लिखो मेरे साथ साथ, बस हेडिंग डाल दो, उसके बारे में लिखेंगे आएंगे तुम, जो मैं आपको अभी जस्ट बताया। लिखो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है सर? बताएंगे, हड़बड़ाने का बात क्या है? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। देखो बच्चों, अभी मैं क्या बताया था आपको, एक बेसिक रूल क्या बताया था? रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ेगा, रिस्क घटेगा तो रिटर्न घटेगा। समझ में आया? रिस्क अगर बढ़ेगा तो भैया रिटर्न भी बढ़ेगा, रिस्क घटेगा तो रिटर्न भी घटेगा, ऐसा मान के चलते थे अपन लोग। बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक रूल था, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं, कहां गया? ओके देखो, यह है रिस्क, ठीक है। आप बोल रहे हो रिस्क बढ़ेगा तो क्या होगा? रिटर्न भी बढ़ेगा, ठीक है सर। रिस्क अगर घटेगा तो क्या होगा? रिटर्न भी घटेगा, ठीक है सर। सॉरी यहां क्या लिख दिया मैं, रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ेगा, घटेगा नहीं। रिस्क अगर बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ेगा, ठीक है, और रिस्क घटेगा तो रिटर्न घटेगा। ओके, यह है बेसिक रूल, दिस इज द बेसिक रूल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। बेसिक रूल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, ये बेसिक रूल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ेगा और रिस्क घटेगा तो रिटर्न घटेगा। लेकिन हमको रिटर्न बढ़ाना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, हमको रिटर्न बढ़ाना है। देखो मैं बात दो तरफा बात कर रहा हूं, समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं कि मेरा रिटर्न जो है बढ़ जाए लेकिन मेरा रिस्क कम हो। ये क्या बात हुआ सर? ये तो वही बात हुआ कि आप जन्नत में जाना चाहते हो लेकिन मरना नहीं चाहते, ये क्या बात हुआ भैया? ठीक है, मैं तो CA पास होना चाहता हूं लेकिन पढ़ना नहीं चाहता, ये क्या बात है? ठीक है, समझा रहा है? ये दो तरफा बात नहीं हो गया। अगर आपको स्वर्ग में जाना है, अगर आपको जन्नत में जाना है तो आपको मरना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन हमको रिस्क लेना नहीं है, तभी तो फिनांस मैनेजर का जरूरत है, तभी तो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसी को बैलेंस बनाने को ही, रिस्क और रिटर्न के बैलेंस को बनाने को ही अपन लोग क्या बोलते हैं? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। क्या बोलते हैं? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क और रिटर्न के बैलेंस को बनाने को ही अपन लोग क्या बोलते हैं? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। समझ में आ रहा है? रिस्क बढ़ाना है
रिस्क बढ़ेगा रिटर्न बढ़ेगा, रिस्क घटेगा रिटर्न घटेगा, लेकिन हमको रिटर्न बढ़ाना है रिस्क घटाना है। और ये तो आसान नहीं है, इसके लिए फिनांस मैनेजर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो रिस्क और रिटर्न के बीच एक बैलेंस बनाने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा था एक छोटा सा कंसेप्ट, समझ में आ गया। ओके, अब ये हमारा बेसिक लेक्चर बोल सकते हो बच्चों, हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो मीनिंग क्या था हमने पढ़ा इस लेक्चर में। हमने ये पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। तो यहां पर हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट का आप बोल सकते हो थ्योरेटिकल क्लास खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम जंप करेंगे अपने पहला चैप्टर की ओर, जो होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हमारा पहला प्रैक्टिकल चैप्टर होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और ये सभी चैप्टर्स का क्या है, ये एक बेसिक्स है। ठीक है, आने वाले जो चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं उसका ये मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बेसिक चैप्टर है वो हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं वही पढ़ाऊंगा। नाम क्या है चैप्टर का, नाम सुन लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर वो नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर पढ़ रहे हो, अगर आपको वो चीज नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता। तो ये तो वही बात हो गई जैसे अकाउंट्स आप पढ़ते हो आपको गोल्डन रूल पता नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके लिए एक बेसिक चैप्टर है जो कि हमको बहुत सारे चीजों के बारे में बताते हैं। और वही चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और वो जो चैप्टर्स है बेसिक चैप्टर्स है बाकी सब चैप्टर्स के लिए। समझ में आ रहा है? तो हम अपना आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए मैं क्या बोलूं, बाय बोलना तो नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन और मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर आपको मेरा क्लास पसंद आ रहा है तो आप क्या करो बच्चों, शेयर करो। ठीक है, उसको दोबारा देखो, अच्छा लग रहा है दोबारा देखो, कहीं पर छूट जा रहा है तो फिर से देख लो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, हो सके तो वो बेल आइकन जो है आपके यहाँ उसको भी बजा दो। और आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत सारे वीडियोस फ्री में मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ फ्री में, यस, मैं आपको ये बता दूं, एडवांस्ड अकाउंट्स फ्री होल पूरा सब्जेक्ट। ठीक है, हो एडवांस अकाउंट्स का पूरा पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे फॉर्च्यून सीए के यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। ठीक है, और फिनेंशियल मैनेजमेंट का भी आने वाला है, और ये आ चुका है, मतलब धीरे धीरे आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए आप क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपने दोस्त लोगों को भी शेयर करो।